झुंझुनू में गुरुवार रात 10-12 युवकों ने मिलकर के एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें घायल युवक पवन कुमार खटीक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। इस मामले की खबर जैसे ही समाज के लोगों को मिली तो समाज के लोग और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और देखते ही देखते कोतवाली के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने और मुख्य आरोपियों को राउंड अप कर लिया है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि यह पुरानी रंजिश का मामला है। लोगों ने जल्द ही आरोपियों को नहीं पकड़ने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है।